नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मॉनसून की विदाई के सप्ताह भर बाद यानी कि अचानक तेज आंधी और बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं मूसलाधार बरसात से किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है, साथ ही डेंगू के केस भी बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं कई लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। बारिश लोगों के लिए परेशानियां बनकर आ रही है। तो बीते 2 दिनों से काफी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि यह मौसम विदाई का होता है, यानी कि इस वक्त मानसून खत्म हो चुका होता है और बारिश भी कम हो चुकी होती है, लेकिन इस वक्त भी मानसून और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खेतों में पड़ी फसल बर्बाद हो रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शाहजहांपुर से अनिंद्र जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अनिंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जनता को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कैसा माहौल है इस वक्त? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि शाहजहांपुर में इस वक्त जो बेमौसम बारिश हुई है इसने कहीं ना कहीं किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इसमें देखा जा रहा है जो किसानों की आधी से ज्यादा फसल है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है, पूरी नष्ट हो गई है। कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि पानी भरा हुआ है, भर गया है क्या फसलों में, और उनका फसल है पूरा गिर गया, जिससे उनके धानों को आधी से ज्यादा 70% नुकसान हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं किसानों की चिंता देखने को मिल रही है। 6 महीने के लगभग कमाई होती है किसानों को, इस वक्त जो है निर्वाह रहता है, लगता है कि हमारे लिए घर पे ले जाएंगे इसको अनाज के लिए और सही से उसके लिए बच्चों को खाने पाने का इंतजाम करते। 6 महीने की कमाई से देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ऐसे सरकार जो बेमौसम बारिश हुई है उसने पूरी तरीके से जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसमें कई घर भी ऐसे हैं जो कच्चे मकान गिर गए हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें सामने करना पड़ रहा है। जी अनिंद्र, नगर निगम के द्वारा जल निकासी के क्या इंतजाम किए गए अभी तक? जल निगम के लिए अभी तक जो नगर निगम की बात की जाए तो शाहजहांपुर में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि शाहजहांपुर में जो करोड़ों रुपए खर्च किए रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सड़कें पता ही नहीं चलती, सड़कें जो है वो गड्ढे में हैं या फिर गड्ढों में सड़कें हैं, इससे बड़ी कोई अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि जो रोड पे लगभग 3 से 4 फुट पानी भर जाता है जरा सी बारिश होने पर। तो ये नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। करोड़ों रुपए का बजट आता है, बजट का पता ही नहीं चलता किस समय बजट आया और किस समय चला गया, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की रहती है। जब फोन कॉल या उसको ऑनलाइन संपर्क करना चाहो तो वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फोन रिसीव करना नामुनासिब समझते हैं। पानी बरस रहा है, जल जमाव हो रहा है, डेंगू का खतरा भी है, तो क्या नगर निगम के द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं? डेंगू के लिए अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति डेंगू के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं की गई है जिससे कि लोगों को यहाँ पे जैसे कि एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाए, ऐसा कोई देखने को नहीं मिला अभी तक। कोई भी शाहजहांपुर जनपद में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर कहीं भी अभी ऐसा कोई स्थिति नहीं देखने को मिली है। किसी शासन स्तर से कोई भी किसी तरीके का फॉगिंग अभियान अभी नहीं चलाया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नाली निर्माण है जो लगातार भरे पड़े हैं, कीड़ा जो उनसे कूड़ा करकट है जिससे उनको ग्रामीणों को काफी परेशानियां होती हैं मच्छरों को लेकर, डेंगू का प्रभावित इस समय, क्योंकि बीमारियों का आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी ऐसी तस्वीरें निकल के आती हैं सामने कहीं ना कहीं, जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा संक्रमित होते हैं। जी बिल्कुल अनिंद्र, इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि जलमग्न हो गए हैं सारे खेत, तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल बर्बाद हुई है, किस पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है? सबसे ज्यादा देखा जाता है तो धान की फसल है, तो धान की फसल पे सबसे ज्यादा इस समय असर पड़ा है, और साथ ही इसके साथ जो दलहन है और उर्द है, तिल्ली की है, ये बाजरे की है, इन सबसे ज्यादा धान की फसल पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो धान की फसल है वो इस समय पकी खड़ी है किसानों की खेतों में, 70% से लेकर जो है कई किसान है उसी पे निर्भर है और अपने 2 वक्त की रोटी की जुटाने में लगे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अनाज कटा हुआ पड़ा भी था। लेकिन ये देखने को मिलता है कि अनाज कटा हुआ पड़ा है वो कई तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि शाहजहांपुर तस्वीरें इस तरीके से हैं, जलमग्न पूरी खेती हो चुकी है, जिसमें उनके धान की फसल पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, बेकार है। अब इस समय अगर उसको अगर कहां सूखे में ले जाएंगे तो उनका जो धान का ज्वार है वो जमने की भी आशंकाएं हैं,
तो इस लेकर के किसान काफी चिंतित दिख रहे हैं। जी अनेंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा है, शहरी क्षेत्रों में क्या हाल देखने को मिल रहा है? शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यही है कि 2 दिन से जो जो बारिश हो रही है और अभी भी मानसून का जो है दायरा देखने को मिलता है, लगातार बादल अभी भी जो घनघोर छाए हुए हैं, काले बादल, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। ऐसे में लोग अपने इंतजाम को लेकर, कई लोग हैं अपने बैलगाड़ियों से जो है क्या कहते हैं पराली को निकालने में जुटे हुए हैं, सूखे स्थानों पे पहुंचा रहे हैं, और जो लोग निचले स्तर के हैं वो कहाँ कहीं ना कहीं उनको कोई ऐसा इंतजाम नहीं मिल रहा जहाँ पर उनकी जो पराली है वो सूखे इंतजाम पे पहुंचाई है, जहाँ उनका धान का सही से इंतजाम किया जाए। कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा स्थिति नहीं बनी है। फिलहाल जो भी किसान लोग हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले। अब देखना ये होगा कि सरकार कितना सजग होती है किसानों के प्रति 2022 के लिए, क्योंकि चुनाव में जो सरकार की जो नाकामियां भी कई चीजें देखने को मिली ऐसी हैं, तो ऐसे में कई आश्वासन दिए गए हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के प्रति, तो ये देखना होगा कि मोदी सरकार है तो किसानों के प्रति कितना सजग उतर पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ शाजापुर से संवाददाता अनिंद्र जुड़े थे। तो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और साथ ही बारिश काफी परेशानियां भी खड़ी कर रही है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है और जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे सड़कें कच्ची होती है, जल जमाव तो हो ही जाता है, लेकिन खेत भी जलमग्न हो गए हैं। और साथ ही जहां बात करें शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल है, जल जमाव हो रखा है, नगर निगम के द्वारा अभी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं बात करें स्वास्थ्य संबंधी, तो डेंगू का खतरा इस वक्त सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और नगर निगम द्वारा अभी भी, जिस तरह से हमारे संवाददाता अनिंद्र ने बताया शाजापुर से, कि वहां पर कोई इंतजाम नहीं किया गया है, ना एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है, ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था अभी तक की गई है। तो लोग पानी में निकलने के लिए और मजबूर होते नजर आ रहे हैं, बारिश लोगों को काफी परेशान कर रही है। तो वहीं बारिश के चलते लोगों को बिजली का संकट भी रहता है, कई पोल गिर जाते हैं तो कहीं लंबे वक्त तक के लिए बिजली काट दी जाती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि कुछ हल निकलेगा, वो चाहे बीमारी संबंधी हो या फिर फसल नष्ट होने के चलते लोगों को मुआवजे की, किसानों को मुआवजे की मांग हो, तो इन मांगों के चलते आश्रित रहते कहीं ना कहीं पीड़ित व्यक्ति, लेकिन काफी देर से मिलता है कोई भी मुआवजा मिले या फिर जो है जल निकासी का काम हो, लेकिन समय से होता नहीं दिखता है। बारिश का वक्त है और अचानक ही ये तेज बारिश हो रही है और इस तेज बारिश से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जनता को। तो नगर निगम की भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि सड़कें पहले से ही बेहाल हैं और बारिश होने की वजह से भर जाता है एकदम सड़कों पे पानी, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई हादसे भी होते हैं और इन हादसों के चलते कई बार कई मासूम लोगों की मौत भी हो जाती है। तो बारिश अपना कहर बरपा रही है और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अयोध्या में बारिश कितनी तेज हो रही है और लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल शिखर, आप देख सकती हैं कि सुबह से यहाँ मौसम जो है वो रुक रुक करके बरसात हो रही है और इस टाइम आप देख सकती हैं कि मौसम खुला हुआ है, थोड़े से बादल छाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो फसलें को नुकसान पहुंचा है, जो कि किसानों की फसलें आप देख सकती हैं खेतों में किस तरीके फसलें कट करके और गिरी हुई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को इसलिए हो रहा है और तिलहन का खेती है और दलहन की खेती है कि सबसे बड़ी नुकसान अगर इस टाइम अगर कहेंगे इस बारिश को लेकर के, तो तेल किसानों के लिए होती है। जी अच्छा, जिस तरह से राघवेंद्र पानी बरस रहा है तो लगभग कितने समय से बरस रहा है? 2 दिन से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पानी बरस रहा है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया था, तो क्या कंटिन्यू बारिश हो रही है या रुक रुक के बारिश हो रही है? जी बिल्कुल शिखा, अयोध्या में अगर देखा जा रहा है तो अयोध्या में कल रात से बारिश चालू हुई है और कल देर जब रात से चालू हुई है बारिश, तो रुक रुक करके बारिश हो रही है और अभी भी कंटिन्यू यही सिलसिला यहाँ पे बारिश का चल रहा है। जी राघवेंद्र, शहरी इलाकों में क्या जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है अयोध्या में?
जी बिल्कुल, जहाँ पे बात करेंगे अयोध्या के नगर निगम की, तो नगर निगम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाचार दिख रहा है कि कई सड़कें ऐसी थी कि जहाँ पे आपको पानी दिखाई देगा सड़कों पे, लेकिन वहाँ पे इस टाइम चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो रही है नगर निगम की। जी, तो क्या नगर निगम किसी तरह से पानी की निकासी के लिए काम कर रहा है? इस वक्त डेंगू का खतरा भी है, तो क्या एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है? नगर निगम की तरफ से क्या काम किया जा रहा है बारिश के वक्त? बिल्कुल, नगर निगम आयुक्त और डीएम अयोध्या जो है सबसे ज्यादा डेंगू को लेकर के इस पे काम कर रहे हैं, और उन जगह जगह जल भराव ना होने दे नगर निगम सबसे बड़ी जो काम किया जा रहा है नगर निगम का, इस पे काम किया जा रहा है कि डेंगू का प्रकोप जो है वो जिले में अभी तक नहीं है और ना होने देंगे। जी, और किसानों को जिस तरह से फसलें नष्ट हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तो क्या उम्मीद है सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा या फिर किसान परेशान होते रहेंगे? बिल्कुल शिखा, अगर देखते हैं ना तो 2022 चुनाव है, सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो किसानों की पैदा हो रही है, तो सरकार के लिए अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुआवजे की धनराशि जरूर देने की एक किसान गुजारिश करेगा उनसे, और ये भी मानना चाहिए कि सरकार को कि उनको 2022 चुनाव को लेकर के और किसानों की कुछ ना कुछ मदद की जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हर जगह जलमग्न होता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, फसलें नष्ट हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये आस लगाए बैठे हैं किसान की सरकार मदद करेगी, मुआवजा मिलेगा, क्योंकि बारिश की वजह से सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा है तो किसानों को पड़ा है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब फसलें तैयार है, कुछ किसानों की फसलें कटी खेतों में ही पड़ी है, लेकिन तेज बारिश की वजह से पानी भर गया खेतों में और जो फसल है वो खराब हो रही है। तो मानसून की विदाई के सप्ताह भर बाद अचानक तेज आंधी और बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। तो बारिश काफी कहर बरपा रही है और इस खबर पे हमारे साथ अब ज्यादा बातचीत के लिए कानपुर देहात से तस्लीम जुड़ चुके हैं। तस्लीम, कानपुर के क्या हाल है बारिश की वजह से? बीते दिनों पहले रविवार की शाम से मूसलाधार बारिश होने से जो फसल खेतों में फसल खड़ी थी वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। इसके साथ तेज हवाओं के साथ जो बाजरा और धान की मक्का की जो फसलें खड़ी थी, कटी पड़ी थी, वो कहीं ना कहीं सड़ने की संभावना, जिससे किसानों के मत्थे पे जो चिंता बढ़ गई है। साफ तौर पे देखने वाली बात, जैसा कि आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से पानी भरा हुआ है, लोग यहाँ पे जो खेत में फसल बोई थी वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। तो इस तरह पे खास तौर पे अगर देखा जाए कि शासन और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई अलर्ट भी नहीं किया गया, यहाँ तक जो कच्चे मकान भी है उनका कहीं ना कहीं गिरने का कुछ सामना भी सामने आया, कई जगह मकान भी गिरे हैं जिससे कई लोग चोटिल भी हुए हैं और बकरियां भी दबी हुई हैं। जी, जिस तरह से तेज बारिश और आंधी है, तो क्या पेड़ों के और बिजली के खंभे गिरने की कोई खबरें सामने आई है कानपुर देहात से? हालांकि ऐसी कोई खबर तो नहीं है, लेकिन जो मूसलाधार बारिश हुई है रुक रुक कर रविवार के शाम से जो बारिश हो रही है, इससे कई जो कच्चे मकान वो गिर गए हैं। कानपुर देहात के गोपालपुर में मकान जो कच्चा मकान गया, इसमें कुछ बकरियां भी दब गई हैं। लेकिन साफ तौर पर सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि बेमौसम जो बारिश हो रही है, इससे साफ तौर पर किसानों का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रहा है कि जो खेतों में कटी फसल जो बाजरे की फसल थी, तेज हवाओं के साथ वो बाजरे की फसल गिर गई है और बाली निकल आने के चलते जो धान की फसल थी वो भी नष्ट हो गई। तो साफ तौर पे किसान एक तरीके से कर्ज में था ही था, और कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए ये बारिश कहीं ना कहीं एक अमृत भी साबित हुई है, जिनको नहर में पानी ना आने के चलते पानी की आवश्यकता थी, पलेवा करने की आवश्यकता थी, तो वहां उनके लिए कहीं ना कहीं अमृत साबित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि ये जो तेज हवा के साथ जो बारिश चली, जी तस्लीम, जिस तरह से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, उससे जो आम लोग हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सड़कों के क्या हाल हैं?
सड़कों के हाल बद से बदतर हो गए हैं कि नगर पंचायत कई नगर पंचायतों के द्वारा गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। पानी की पाइपलाइन के चलते अभी सड़क खुद ही पड़ी जिससे लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। वहीं छोटे छोटे बच्चे गिर भी जाते हैं, इससे वो घायल भी हो जाते हैं। तो साफ तौर पर इस पे नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं वो कहीं इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और जिससे लोगों को भारी सामना करना पड़ रहा है। जी, कानपुर देहात में डेंगू की क्या हाल है इस वक्त, क्या कोई ऐसा मामला सामने आया है? हालांकि डेंगू से कई लोगों की मौत तो हुई है लेकिन इसके चलते स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ। सतर्क होने के बाद गांव-गांव जाकर कैंप लगा रहा है और उनकी जांच भी कर रहा है। इसके साथ ही प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर लोगों से अपील की जा रही है कि अगर ऐसी कोई समस्या आती या 108 नंबर पर लगाकर सबसे पहले नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उसका इलाज कराएं, उसकी जांच कराएं जिससे कि संक्रमण फैलने से बचा जा सके। वहीं नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी व ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानों के द्वारा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ कानपुर देहात से तस्लीम जुड़े थे जिन्होंने हमें बताया कि स्वास्थ्य केंद्र चौकन्ना हो गया है डेंगू के चलते और कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही पूरी तैयारी की गई है डेंगू से लड़ने के लिए। पानी बरस रहा है, जल जमाव हो रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि डेंगू से कैसे बचाव करना है और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है और अगर डेंगू के लक्षण दिखाई देते तो प्राथमिक उपचार क्या होंगे। तो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वहीं एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है कानपुर देहात में। तस्लीम ने हमें पूरी जानकारी दी है लेकिन सबसे बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि ये जो बिन बुलाए मौसम की बारिश है वो खेतों पे सबसे ज्यादा कहर डाल रही है क्योंकि खेतों में फसलें तैयार है और फसलें सड़ने की कगार पर पहुंच गई हैं। और इस खबर पर हमारे साथ रायबरेली से ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है तो इससे आम जनता कितनी परेशान है? लगातार बारिश हो रही है, कभी तेज हो जाती है लेकिन बारिश पूरी तरह से बंद नहीं है। और इस समय हम खेत में ही खड़े हुए हैं। आप इस कदर कटी हुई फसलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है, न इनको उठाने वाला कोई मिल रहा है और फसलें सब सड़ने की कगार पर आ चुकी है। और जो फसलें पकी हुई खड़ी हुई है वो उनमें बालियां निकल आई हुई हैं और जो है वो टेढ़ी हो चुकी है, यानी धान की फसल अपनी जड़ छोड़ चुकी है। जी ओम शंकर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इन फसलों को बचाने की कोशिश की जाए तो कैसे बचाया जा सकता है, क्या कोई रास्ता है? रास्ता बस यही है कि पानी बंद हो और किसान जल्दी से जल्दी इन फसलों को अपने घरों पर ले जा सके ताकि जो फसलें कट चुकी है उनको कहीं सुखवा के उसके बाद जो है उससे फसल निकाली जा सके। जी सड़कों के क्या हाल है इस वक्त? सड़कों के हाल तो माशा अल्लाह है, पता नहीं सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। मुख्यमंत्री जी के उस दावे गड्ढा मुक्त अभियान निश्चित राज रायबरेली शहर की कोई भी सड़क, जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं सांसद सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहां से डिप्टी सीएम हैं, लेकिन आते हैं और उसके बाद सिर्फ वादे करते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ कागजों पर ही संतुष्टिकरण हो रहा है। तो बड़े बड़े नेता और अधिकारियों के आने के वक्त क्या सड़कें बनती हैं या फिर कभी भी उनका कोई सुधार नहीं होता है? नहीं, बस गिट्टी में मिट्टी मिलाकर गड्ढे को ढक दिया जाता है, एक लेयर सिर्फ हल्की पतली डामर की डाल दी जाती है ताकि जैसे वो नेता जाए तो एक हफ्ते के अंदर वो सड़क पुनः फिर उसी गड्ढे में तब्दील हो जाती है। जी तो बारिश इतनी तेज हो रही है तो बारिश की वजह से सड़कें एकदम जलमग्न हो गई होंगी, आम लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आम लोगों को निश्चित किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के दरवाजे पर पानी भरा है, यहाँ तक कि सबसे पुराना जिला अस्पताल है वो भी जलमग्न रहता है, लेकिन जिला प्रशासन जो है सिर्फ कागजों पर कहता है। नगर निगम तो पूरी तरह से नकारा साबित हो चुका है रायबरेली जिले का, सिर्फ जो है कागजों पर इनकी प्रक्रिया चला करती है, जमीनी हकीकत तो सो दूर है। नगर निगम का काम कैसा देखने को मिल रहा है रायबरेली में? नगर निगम सिर्फ नाम का नगर निगम है, बाकी उसको अगर नरक निगम कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो है सिर्फ घोटाला चल रहा है और जमीनी हकीकत पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, चाहे वो एंटी लार्वा का छिड़काव हो, चाहे नालियों की सफाई हो, चाहे टूटी सड़कों की मरम्मत का काम हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे जिन्होंने बताया है कि इस बरसात में
पोल खुल रही है नगर निगम के काम की, ना सड़कें दुरुस्त हैं, ना नालियों की सफाई हो रही है और ना ही एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। हाल ये है कि जिला अस्पताल में भी पानी भरा हुआ है, अगर लोग इलाज के लिए जाएंगे अस्पताल तो वहां पे भी डेंगू से संक्रमित होने की पूरे अनुमान है, कि पूरे आसार है, क्योंकि जब वहां पे भी पानी भरा है, जलमग्न है और डेंगू का खतरा है तो अस्पताल में इलाज कराने जाएगा व्यक्ति या फिर बीमार होने जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे नगर निगम के काम की पोल जरूर खुल रही है। वहीं बात करी जाए सड़कों की तो हमारे संवाददाता ओम शंकर ने बताया कि रायबरेली में सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है, सड़कें बनती ही नहीं है वहां सही से, और जहां बारिश होती है फिर वो गड्ढों में धस जाती है, उसमें पानी भर जाता है, लोगों के घरों के बाहर भी पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। तो बरसात की वजह से किसान परेशान है ही, लेकिन जनता भी कम परेशान नहीं है। गड्ढों से भरी सड़कें हैं, नालियों की सफाई नहीं है। और इस खबर पर अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में किस तरह की बारिश देखने को मिल रही है, क्या रुक रुक के बारिश हो रही है या मूसलाधार बारिश हो रही है? क्या तो बता देना धनी, लखनऊ में रुक रुक कर पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, इसकी वजह से आम जनजीवन काफी ज्यादा अस्तव्यस्त हो गया है। अगर बात की जाए जानकारों की बात करें तो उनका मानना है कि जो किसान है उनको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है इस बारिश से, क्योंकि जो धान की फसल है और उससे इस बारिश से उस धान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान होगा, इससे किसानों के लिए ये बारिश काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर और रुक रुक के बारिश में जो जल भरा हो रहा है उससे डेंगू का खतरा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। अश्विनी, जहाँ सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है तो क्या सड़कें सच में गड्ढा मुक्त हो गई हैं बरसात के टाइम में? क्या सड़कों पे जल भराव नहीं देखने को मिल रहा है? क्या राजधानी लखनऊ की बात की जाए, राजधानी लखनऊ में कई जगह ऐसी है जहाँ पे सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के उसमें जल भराव भी होता है। और अगर सड़कों की बात करें, सड़कों के किनारे भी जल भराव होता है, पत्तियों में जल भराव होता है, इसकी वजह से डेंगू जैसी खतरनाक संचारी रोग जो है अपना पैर लेने से पकड़ते हैं और तमाम लोग उनसे ग्रसित होते हैं। और बात की अगर पिछले कई दिनों में जो है डेंगू से लखनऊ में कई मौतें भी हुई है, और डेंगू की बात की जाए डेंगू के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ के सामने आ रहे हैं। ऐसे में पिछले 3 दिनों से रुक रुक के हो रही बारिश से कई जगह जल भरा हुआ है, ऐसे में चिकित्सा प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है कि वो किस तरीके से इस जल भराव का निर्धारण करते हैं जिससे डेंगू जैसी संचारी रोगों पर रोक लगाई जा सके। अश्विनी, नगर निगम बड़े दावे और वादे करता है लेकिन इस वक्त जल निकासी के काम और जो एंटी लार्वा का छिड़काव है इस पे कितना काम कर रहा है नगर निगम? देखो नगर निगम के द्वारा जो है जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है वहाँ पर टीमें पहुँचाई जा रही है, टीमें पहुँच कर जो है वहाँ पे जल भराव का निस्तारण कर रही है। अगर बात की जाए तो उसको लेकर के और फॉगिंग और जो है एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अश्विनी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि लखनऊ में काम हो रहा है, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन जो जल भराव की स्थिति है वो अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल रही है। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे लखनऊ में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, तो गड्ढे की वजह क्या है और इस पे कैसा काम चल रहा है और कितना धीमे काम चल रहा है ये तो नगर निगम ही बता सकता है। लेकिन अचानक बारिश पोल जरूर खोल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम लापरवाही करता हुआ दिख रहा है। कुछ जगह पे तो नगर निगम सही से काम कर रहा है लेकिन कुछ जगह ऐसी भी सामने आई जहां पे ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई है अभी तक, क्योंकि 2 दिनों से बारिश हो रही है और कुछ जगह ऐसी है जहां पे थोड़ी सी बारिश में जल भराव हो जाता है और जल भराव होने के बावजूद अगर निकासी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पे एंटी लार्वा या फॉगिंग की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन उसकी व्यवस्था भी नहीं है। शायद नगर निगम बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हो कि ताकि कुछ दिन पानी भर जाए उसके बाद निकासी की जा सके, लेकिन इससे दिक्कतें कितनी पैदा हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं ये शायद वक्त ही बता सकता है, क्योंकि लोग नाराज दिख रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, लखीमपुर में इस वक्त बारिश कितनी हो रही है और सड़कों के क्या हाल है? जी बिल्कुल, 2 दिन से करीब यहां पर 24 घंटे से लखीमपुर जिसमें काफी बारिश हुई है, जिसको लेकर की डीएम लखीमपुर श्री डॉक्टर
अरविंद चौरसिया के द्वारा जो हाईलाइट भी जारी किया गया है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए किसानों की, तो किसानों को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर लखीमपुर खीरी में किसानों की धान की फसल लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। जी, जिस तरह से 40 लोगों की मौत की खबर सामने आई है बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की वजह से, क्या कहेंगे इसके पीछे क्या वजह है? क्या डेंगू की वजह से मौत हुई है, हादसों की वजह से मौत हुई है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है धीरज? जी जी, जिस तरह से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, सड़कें बेहाल है, नगर निगम द्वारा क्या काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, नगर निगम के द्वारा पूरी लापरवाही बरती जा रही है। अगर तराई क्षेत्र देखा जाए तो वहां पर तराई इलाके में रोड हो या ग्रामीण इलाकों की जो रास्ताएं हैं, गांव की रास्ताएं हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वहां पर निकलने अगर ग्रामीण पैदल निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो चोटिल होते हैं। जी, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है इस वक्त लखीमपुर में धीरज? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो डीएम ने पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा है। सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर तराई एरिया देखिए तो वहां पर जो इस समय बुखार हुआ डेंगू के मरीज है वो काफी मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो क्या प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, क्या कैंप लगा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है डेंगू से बचाव के लिए? जारी है क्षेत्र, उनको पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है कि वहां पे कैंपे लगाई जाए और जो पूरी तरीके से चाक चौबंद की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता धीरज जुड़े थे, जिन्होंने बताया है कि ध्यान तो दिया जा रहा है लेकिन कुछ लापरवाही भी लखीमपुर में देखने को मिल रही है। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जल जमाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। और डेंगू के केस भी ज्यादा आ रहे हैं, बुखार के मामले सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं डीएम। जानकारी हमें संवाददाता धीरज ने दी कि किस तरह से लखीमपुर में भी बारिश हो रही है 24 घंटे से और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लखीमपुर की जनता को। तो यूपी में पहले ही रेड अलर्ट जारी है और रेड अलर्ट जारी करने के बाद अब जो खबर सामने आई है कि मूसलाधार बारिश से पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की मौत हो गई है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। और वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, नगर निगम के कामों की बात करें, तो कुछ ना कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है क्योंकि बिन मौसम बरसात है, नगर निगम को भी तैयार रहने का समय नहीं मिला। लेकिन डेंगू का कहर बीते कुछ दिनों से काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफी केस नजर आ रहे हैं डेंगू के, बुखार के, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम उठता नहीं दिख रहा है। अगर नगर निगम से बात की जाए तो दावे और वादे बहुत करते हैं कि फॉगिंग की जा रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, कल भी कहीं भी जल जमाव नहीं होगा, लेकिन सड़कों का जो हाल है वो बता रहा है कि उस पर कभी कोई काम ही नहीं हुआ है। क्योंकि अगर सड़कें दुरुस्त होती तो जल जमाव ही नहीं होता। और जो कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर सड़कों का कोई दोष नहीं है तो वहां से जल निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द करनी चाहिए नगर निगम को। तो काफी ऐसे सवाल हैं जो कटघरे में खड़ा करते हैं नगर निगम को कि आखिर व्यवस्था किस ओर जा रही है, क्या गड्ढा मुक्त करने की जो बात कही जाती है उसमें काम नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या सही से काम नहीं हो रहा है, क्या घोटाले हो रहे हैं? तो ये तमाम सवाल है क्योंकि आम जनता को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी भर जाता है जरा सी बारिश में, तो गड्ढे इतने ज्यादा होते हैं कि उससे हादसे भी होने की पूरी आशंका रहती है, बच्चे गड्ढों में गिर जाते हैं, खुले मेन होल में गिर जाते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जिस ओर नगर निगम को ध्यान देने की जरूरत है और हम अपने चैनल के माध्यम से इसी ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं नगर निगम का कि कई जगह ऐसी है जहां पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस ओर ध्यान देने की जरूरत है नगर निगम को कि कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह है जहां पे कमी रह रही है। क्योंकि नगर निगम कहता है कि टोल फ्री नंबर तो जारी कर दिया गया है लेकिन वो वक्त पे लगता नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अब खलिक अंसारी जुड़ चुके हैं संवाददाता। तो खलिक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा हाल है इस वक्त आपके जिले में? जी, अगर मैं हालात की कहूँ तो यहाँ बारिश के चलते हालात काफी नाजुक नजर आ रहे हैं। जगह जगह जलभराव की समस्या से आम जनता को परेशानी हो रही है, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करने को लोग आमादा हो गए हैं। साफ तौर पर नगर निगम के खिलाफ तमाम बार प्रदर्शन भी किए गए लेकिन इसका कोई मुनाफा आम जनता को नहीं हुआ। तमाम तरह की परेशानियों के साथ, चाहे वो स्कूली बच्चे सही,
गायों के और से ही वहाँ से घरों से निकलना पड़ता है। आम जनता त्रस्त है पूरी तरीके से, जल भराव की समस्या से तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। लेकिन अगर प्रशासन की बात कही जाए तो प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। जगह जगह चाहे वो अलीगढ़ के नगर निगम की बात कही जाए, चाहे वो लोगों का कब से प्रदर्शन कर रहे, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, बारिश हमेशा होती है और अभी कुछ दिन पहले भी भीषण बारिश हुई थी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो आखिर कब से इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जनता को? जी देखिए, मैं बता दूं, बीमारी भी यहाँ काफी उच्च स्तर पर फैलती दिखाई दे रही है, जिसके चलते अगर बात तहसील अकरौली क्षेत्र की कही जाए तो वहाँ हर घर घर में चारपाइयाँ बिछी हुई है, तमाम तरह के पेशेंट है वहाँ पर। गंदगी के अभाव के चलते ये बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं और गंदगी की मुख्य समस्या जो है वो जलभराव होती है, दूषित पानी की वजह से तमाम तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं और उसका खामियाना आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता खलीक अंसारी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि लोगों में काफी गुस्सा है, नगर निगम के काम को देखते हुए नगर निगम लापरवाह दिख रहा है, लेकिन शिकायतें करने के बाद भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।